अक्सर बच्चे जो हैं वो सब्जियों को खाने में बहुत ही झिकझिक करते हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक मिक्स मसाले की रेसिपी गाइस, जिसे अगर आप सब्जियों में डालकर बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और बस एक मसाले से आपको भी बहुत आराम हो जाएगा, बहुत ही फटाफट से ये जो बस एक मसाले डालें और सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाती है। तो चलिए हम मसाले बना लेते हैं। मिक्स मसाले बनाने के लिए हमने ले लिया है सबसे पहले धनिया, साबुत धनिया हमने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच, 1 चम्मच हमने लिया है लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 चम्मच लिया है हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच हमने लिया है गाइस साबुत जीरा, और साथ ही हमने लिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे ये हमने ले लिया है 1 चम्मच काली मिर्ची, तो ये साबुत काली मिर्च चाहिए हमें, और ये हमने लिया है अदरक का पाउडर, ये मेरे घर की बनी हुई गाइस, और ये मार्केट में भी आसानी से अवेलेबल है तो आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। साथ ही हमने 1 चम्मच ले लिया है सौंफ, और ये 1 चम्मच हमने लिया है मेथी के दाने। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हमने लिया है कॉर्नफ्लावर, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो हमें कॉर्नफ्लावर तो ज़रूर से ही चाहिए। 1 चम्मच हमने ले लिया है लहसुन का पाउडर, ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और साथ ही हमने लिया है मैंगो पाउडर, ये भी मेरे घर की बनी हुई है, ये भी हमें 1 चम्मच ही चाहिए। यहाँ पे हमने ले ली है 4 से 5 तेज़पत्ते, और तेज़पत्तों को अच्छी तरह से पोंछ कर ले गाइस, और ये देख सकते हैं आप। अब हमने ले लिए हैं कुछ और मसाले, यहाँ पे हमने लिए हैं तो यहाँ पे हमने लाल मिर्ची ली है साबुत वाले, तो ये हमने 5 से 6 ले लेना है। 5 पीस हमें लेना होगा छोटी इलायची, इससे हमारे मसालों में बहुत ही ज़्यादा खुशबू आएगी और बहुत ही टेस्टी हमारे मसाले बनकर रेडी होंगे। ये हमने ली है जावित्री, तो 2 स्टिक्स हमने जावित्री के ले लेने हैं। साथ ही हमें लेना है कबाब चीनी, ये आप कबाब चीनी को अच्छी तरह से देख लें गाइस, ये देखने में काली मिर्च के जैसी लगती है लेकिन इसमें डिफरेंट ये है कि ये देखिए इसकी जो है पुच्छी सी निकली हुई रहती है, यही फ़र्क है काली मिर्च में और कबाब चीनी में, तो ये आप ज़रूर से लें, हमारे मसालों की जान है। अगर आपके पास चक्रफूल है तो आप चक्रफूल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें चाहिए होगा दालचीनी, तो यहाँ पे 1 स्टिक्स हमने दालचीनी के ले लिए हैं। लौंग हमें चाहिए होगा 5 से 7, और साथ ही हमें चाहिए होगा जायफल, तो यहाँ पे मैंने 1/2 जायफल ले लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सभी मसालों को सबसे पहले हम थोड़ा सा भून लेते हैं। तो दूसरी तरफ हमने गैस के ऊपर पैन चढ़ा दिया है, और अभी हमें गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखा है, पैन हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो एक एक करके हम मसालों को डालते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने डाल दिया है धनिया, साबुत धनिया डाल दें, साथ ही जीरा डाल दें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मेथी दाने, साथ ही डालेंगे हम इसमें काली मिर्च। काली मिर्च की क्वांटिटी आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। साबुत लाल मिर्च डाल देंगे, और साथ ही डाल देंगे हम इसमें तेज पत्ते। इन मसालों को हम स्लो मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे, तब तक हमारे मसालों में अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, तब तक हमें इसे भूनना है। लौंग भी हम डाल देंगे, और इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। ध्यान रहे गाइस, फ्लेम को हाई बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो मसाले जो हैं वो कड़वे हो सकते हैं। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम पर ही हमें मसालों को भुनना है। मसाले हमारे भुना चुके हैं, तो अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, और बस जितना पैन गर्म है बस उतने ही पैन में, गर्म पैन में हम डालेंगे सौंफ को, और इसे थोड़ा सा हम चला लेंगे। अब मसालों को हमें अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमने इसे बारीक पीस लेना है, पाउडर बना लेना है गाइस। तो इसके लिए मैंने तेज़पत्तों को तोड़कर सबसे पहले इसमें डाल दिया है, क्योंकि तेज़पत्ते जो हैं वो पीसने में थोड़े से दिक्कत देते हैं। तो सबसे पहले मैंने तेज़पत्तों को तोड़ लिया है, इसे डाल दिया है। ध्यान रहे गाइस कि मसालों को आप अच्छी तरह से ठंडा होने पर ही पीसें, तो आपके मसाले काफ़ी अच्छे बनेंगे, और ये पीसने में भी बहुत ही आसानी से पिसा जाएंगे। साथ ही अब हम इसमें डाल देते हैं दालचीनी, छोटी इलायची, कबाब चीनी। अब हम इसमें डालेंगे गाइस जावित्री। मसालों को आप फिर से ध्यान से देख लें, जायफल, और अब हम इसमें डाल देंगे अदरक के पाउडर, तो ये मैंने 1 चम्मच लिए थे। अब हम इसमें डाल देंगे गाइस
लाल मिर्ची पाउडर, साथ ही हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे गाइस मैंगो पाउडर। तो मैंगो पाउडर हमने एक चम्मच लिया है। आप मसालों का मेज़रमेंट ध्यान रखें कि मैंने कितना कितना चीज़ें डाली है, तो आपके मसाले बहुत ही अच्छे बनेंगे। लहसुन का पाउडर और साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च, ये हमारे मसालों में अच्छा सा कलर लाएगा। कॉर्नफ्लावर गाइस, क्योंकि कॉर्नफ्लावर हम इसलिए डालते हैं ताकि मसाले जो हैं वो हमारे बरसात के मौसम में पसीजे नहीं और ये काफ़ी दिनों तक सेफ़ रहते हैं कॉर्नफ्लावर डालने की वजह से। आधी चम्मच हमने इसमें डाल दिया है चीनी और ये एक चम्मच हमने डाल दिया है गाइस नमक। और अब हम इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो हैं वो मसाले रेडी हो चुके हैं और ये अच्छे बारीक पीस भी चुके हैं। तो आप चाहें तो मसालों को स्ट्रेनर से अच्छी तरह से चाल लें चलनी से और उसके बाद आप इसे इस्तेमाल करें। वैसे हमारे मसाले काफ़ी बारीक पीस चुके हैं और अब ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। बस ये एक मसाला जो है आपकी सब्जियों में जान ला देगा और जिन लोगों को सब्ज़ी खाना पसंद नहीं है ना वो भी बड़े ही शौक से खाएंगे ये सब्ज़ी। तो ये अब इन मसालों को हम क्या करेंगे, एक एयर टाइट जार में भरकर आप इसे रख कर सालों चला सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है। और अगर आप मसालों को अच्छी तरह से भूनकर इस तरह से मसाले तैयार करेंगे जिस तरह से इस वीडियो में बताया गया है तो आपके मसाले डेफिनेटली कभी ख़राब नहीं होंगे। और बस एक चम्मच भरकर आप मसाला किसी भी सब्ज़ी में डाल दें तो आपके सब्ज़ी का स्वाद डबल हो जाएगा और जो लोग सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी इसे बड़े ही शौक से खाएंगे। गाइज ये मसाले बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ये बस घर में रखे सामानों से ही ये मसाले बनकर रेडी हो जाते हैं और सब्ज़ी बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो गाइज अगर आपको मेरी ये मसालों की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर।